हेलो फ्रेंड्स टोडेज वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट ये उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह पास हुए हैं एंड uh, दिल्ली में जाना है फॉर यू नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग सो देयर इज़ अ थिंग नोन एज दिस फॉर्म यू गाइस नो योर स्कोर कार्ड राइट तो uh, इधर अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ देयर इज़ दिस फॉर्म दैट वी हैव टू फिल इट इज़ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके विथ एग्जाम्पल ऑफ माई वीज एंड एवरी थिंग कौन सा डेट किधर भरना है एंड स्टाफ दर इज़ अ लिट बिट ऑफ कन्फ्यूजन एंड लॉट ऑफ पीपल आर यू नो कन्फ्यूज तो मैंने भी ये वीडियो बहुत टाइम uh, लगा मुझे बनाने में बिक आई कॉल्ड एवरी वन जिनका हो चुका है उनसे पूछा कि क्या करना है कैसे करना है जो लोग कोविड में नहीं गए इंडिया मतलब नहीं आए वापस इंडिया तो उन लोगों का जो वीज़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना लाइक uh, दो साल के तो इत जगह में कैसे खिचड़ी ना करे वगैरह ये सब वीडियो उन लोगों के लिए एंड ऑल्सो फॉर पीपल हु स्टडीड इन चाइना क्योंकि उन लोगों को हर छह महीने बाद नया वीजा मिलता है राइट right? तो उन लोगों के तो अगर वो कोविड नहीं जाते तो आठ वीजा तो वैसे ही हो जाते हैं एंड uh, यहाँ पे सिर्फ दस कॉलम्स है तो क्या करे कैसे करें ओ माई गॉड तो ये सारे क्वेश्चन टॉक अबाउट एवरी थिंग

and you know beneath that there are instructions that you should read carefully <laughs> but let us just see all the documents that are needed jo aapko delhi mein, documents lagenge, wo. so first of all obviously the most important is admit card for fmg uh, for you will need your passport then you'll need degree certificate provisional pass certificate after that you will need of course obviously your eligibility certificate

सो नाउ एज यू कैन सी दिस पेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको फिल करना है या आपको ऑलरेडी घर पे फिल करके वहाँ पे लेके जाना है तो पहला जो आप डेट ऑफ अराइवल देख रहे हो सी पी एम क्यू डेट ऑफ डिपार्चर सी पी एम क्यू बेसिकली वॉट इज इट और यहाँ पे आ, बहुत लोगों को लग रहा है कि वीज़ा आपका 2018 से 2019 एग्जांपल ये वीज़ा के डेट्स लिखने हैं तो नहीं दैट इज़ कम्पलीटली रॉन्ग आई विल टेल यू एग्जांपल देखे सब समझाऊंगी मैं आपको uh, यहाँ पे आप ये देखिए कि सी पी एम क्यू बेसिकली होता क्या है सो सी पी एम क्यू इज़ कंट्री ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन एंड वॉट इज़ इट जिस भी फॉरन कंट्री में आप लोग गए हैं फॉर एग्जाम्पल फ़िलिपाइंस रशिया स्पेन जहाँ पे भी आप लोग गए हो दैट इज़ योर कंट्री ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफ़िकेशन सी पी एम क्यू फॉर मी इट इज़ रशिया ठीक है मैंने रशिया से किया सब कुछ सो वॉट वी नीड इज़ डेट ऑफ अराइवल एट सी पी एम क्यू आप रशिया कब पहुंचे वी नीड दैट पहले जो दो कॉलम्स है डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर उसके लिए वी डोंट नीड दिस दिस इज नॉट नीडेड इन दो फर्स्ट टू कॉलम्स वॉट वी नीड इज दिस पेज दिस पेज इज इंपॉर्टेंट टू फिल द फर्स्ट टू कॉलम्स राइट सो डेट ऑफ अराइवल एट सी पी एम क्यू इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखिए ये जो गोल वाला स्टैम्प है वहां पे लिखा है आ, वहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली और ये जो है वो भी न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली का कोई ज़रूरत नहीं है सी पी एम क्यू मतलब फॉरेन कंट्री राइट तो यहाँ पे ये वाला देख लो रिटर्न रशिया ओवर देयर फॉर मी तो ये जो डब्बा होता है फॉरेन कंट्री का वो डब्बा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जैसे मैं यहाँ पे डेट देख रही हूँ थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर टू थाउजेंड सेवेंटीन सो आई अराइव इन रशिया ऑन थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर राइट टू थाउजेंड सेवेंटीन ओके तो ये हो गया नाउ डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सी पी एम क्यू मैंने रशिया जब फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया तो रशिया छोड़ के मैं इंडिया कब पहुंची राइट वी नीड दैट डेट तो ये पहला पेज है तो ऑब्वियसली मुझे दूसरे पेज पे जाके देखना पड़ेगा ठीक है न्यू दिल्ली यू डोंट नीड टू सी दिस यहाँ पे यहाँ पे है मेरा रशिया ठीक है ये वाला देखने का है और ये वाला देखने का है तो इंडिया कब आई मैं ऑब्वियसली जून जुलाई में, में आई है ना तो इंडिया जीरो फाइव जीरो सेवन जीरो सेवन मतलब जुलाई हाँ फाइव जुलाई टू थाउजेंड एटीन को मैं इंडिया आ गई तो यहाँ पे भर लेती हूँ फाइव जुलाई टू थाउजेंड एटीन सो यू गैस अंडरस्टूड वॉट आई डिड राइट तो सेकेंड पेज पे देखो कन्फ्यूज नहीं होने का इंडिया में जब जुलाई में आई तभी तो मैं इंडिया अगस्त में जाऊंगी ना वापस रशिया के लिए छुट्टी होने के बाद थर्टी अगस्त टू थाउजेंड फिर थर्टी ऑगस्ट टू को मैं अराइव किया फिर से रशिया फिर मैं फिर से कब गई रशिया छोड़ के तो मैं गई थी ट्वेंटी 20 जून 2019 तो वो जो फॉरेन कंट्री वाला डब्बा है ना वो वाला इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली वाले डब्बे इंपॉर्टेंट नहीं है फॉरेन कंट्री वाले डब्बे इंपॉर्टेंट है आपने देख लिया आपको क्या भरना दो फिल किए वैसे आप भर लो छोड़ो भर ही देती हूँ मैं अपना तो फिर उसके बाद मैं गई ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन से लेके डिपार्चर हाँ। डेट ऑफ डिपार्चर क्या है मेरी तो फिफ्थ जून ट्वेंटी वन ओ फिफ्थ जून ट्वेंटी वन हाँ मैं कोविड के टाइम रशिया में ही रुकी रही बट आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन तो इसके लिए फिर क्या करती हूँ मैं फिर ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त 2021 को मैं फिर से रशिया क्या किया मैंने हाँ रशिया पहुँची और फिर कब डिपार्ट हुई तो थर्टीन मार्च 2022 के टाइम में आ गई मैं डिपार्ट हुई रशिया से वाई क्योंकि उस टाइम वॉर चल रहा था तो मम्मी ने बुला लिया कि कहाँ मर जाएगी एक ही बेटी है मेरी बेटी मैं एक ही हूं मेरा भाई भी है बट यार तो मम्मी को डर के मारे मम्मी ने बुला लिया था फिर उसके बाद देन अगेन आई अराइव ऑन फिफ्थ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड मैं फाइनल के लिए रशिया कप छोड़ा इलेवेंथ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आई मिस रशिया ओके तो ये दो डब्बे में क्या क्या भरने का है आप लोगों को समझ गया अभी ये जो वैलिडिटी ऑफ वीजा है उधर आपको जो कंफ्यूजन था कि पहले दो में जाना चाहिए वो वाला सीन अभी ये जो डब्बा है ये जाएगा थर्ड कॉलम में ओके okay? ये ये आपका वैलिडिटी तो ये आपका जो फर्स्ट वीजा है वो ऑब्वियसली सबको 90 डे का मिलता है ठीक है 90 डे का एंड फिर वो 365 का बाद में जो कॉन्जिक्यूटिवीजा होंगे दे विल बी ऑफ 365 डेज तो पहले बात आपको ये बता दूँ कि जो मेरा थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू से फिफ्थ जुलाई 2018 तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा मेरा जो 90 डेज वाला वीज़ा है वो लिखना पड़ेगा प्लस थ्री सिक्सटी फाइव डेज वाला वीज़ा लिखना पड़ेगा ओके okay? तो उसको मैं लिखती कैसे हूँ सो so, उसको आपको ये लिखने का है October 2017 to January 2018. लेकिन आप ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है फिफ्थ जुलाई फिफ्थ जुलाई 2018 तक के रही मैं रशिया में और यहाँ पे मेरा जनवरी 2018 तक के है तो ऑब्वियसली जुलाई का भी मुझे लिखना पड़ेगा तो फिर उसके बाद मेरा जो 365 के लिए हुआ था जैन 2018 टू जैन 2019, okay, done. ओके तो डन अभी जो दूसरा कॉलम है वो है मेरा कौन सा 2018 थाउजेंड टू टू हाँ तो ये वाले वीजा का मेरा वही वैलिडिटी है जैन 2018 थाउजेंड टू जैन टू ओके यहाँ तक समझ गया फिर उसके बाद अभी मैं कोविड नहीं गई तो आपको इधर ही चार पांच नहीं लिखने का है इसलिए मैंने ये गैप छोड़ा है ओके okay. इधर आपको लिखने का है अपना लिखना है इधर आपको लिखना है जैन 2019 टू uh, जैन 2020 ओके okay, फिर उसके बाद जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जैन टू फिर उसके बाद ठीक है फिर उसके बाद इधर लिखना है मुझे जैन 2021 टू जैन 2022, ओके okay, फिर लास्ट में मुझे लिखने का है मेरा जो था 2022 जैन से जैन 2023, ओके okay, सारे कॉलम भर दिए राइट अभी सिर्फ लास्ट वाला कॉलम बचता है तो आ, ये आपने देख लिया कि यहाँ पे खिचड़ी नहीं करने का है ये ये जो मैंने जगह छोड़ी है तो आपको भी ऐसे जगह छोड़नी है सब कुछ आप एक साथ तो लिख नहीं पाओगे इतू से डब्बे में तो ऐसे सीन है और फिर यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है उधर आपको टोटल ड्यूरेशन स्पेंट मतलब कितने महीने कितने दिन रहे हो वो लिखने का है हाँ तो पहली बार मैं रशिया पहुंची आप फर्स्ट नंबर पे देख सकते हो थर्टी फर्स्ट 2017 टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड आई वॉज देयर टिल फिफ्थ जुलाई टू थाउजेंड एटीन तो देखो अभी कैलकुलेट करना है मैथ्स आ गया है लेट्स कैलकुलेट थर्टी फर्स्ट मतलब बेसिकली वो लास्ट अक्टूबर का डेट है है ना तो लेटेस्ट आउट फ्रॉम नवंबर तो आई वाज देयर होल नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मे जून ठीक है जून हाँ जून सो आई वाज देयर फॉर एट मंथ्स ओके एट मंथ्स आपको जुलाई काउंट नहीं करने का है नहीं तो फ्लो फ्लो में जुलाई काउंट कर दोगे जून तक के करने का है और मैं पांच जुलाई तक के रही सो इट विल बी एट मी राइट हियर सो इट बी मंथ्स फाइव डेज ओके सॉर्टेड समझ में आ गया तो वैसे ही सब भर लो काउंट कर करके अभी इतना काउंट नहीं करूंगी मैं सो दैट इज योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नाउ लेटस टॉक अबाउट जो लोग चाइना में है उनका तो बहुत वीजा हो रहा है लाइक बहुत ज़्यादा वीजा हो रहा है क्योंकि हर सिक्स मंथ के बाद उनको मिलते रहता है प्रॉब्लमेटिक तो है ये चीज़ क्योंकि इन्होंने सिर्फ दस तक के नंबर दिया है उनको ऑब्वियसली दस के बाहर जाएगा है ना जो लोग कोविड नहीं आए उनका तो भाई बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको दिक्कत है लाइफ में तो आ, दस तक के आप जैसा स्पेस मैंने बोला है वो सीन वैसे का वैसे कर लो ठीक है फिर उसके बाद ये देखो ये ये पेज को आप ऐसे पलटी करो ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन उसका पीछे का पन्ना तो खाली है ना ब्लैंक है तो ब्लैंक पेज पे आपको फिर से वही टेबल बनाने का है उधर लिखो इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वो सब करो टेबल बनाओ और जैसा इधर आपने भरा वो सब कंटिन्यू करो वैसा ही भरना ओके समझ है समझ में आया आपको पन्ना पलटी करो वो वाला पन्ना खाली रहेगा उधर टेबल जैसा ये टेबल है वैसा ही टेबल बनाओ और अपना टेन के बाद से कंटिन्यू करो इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन अपना नंबर डाल लो और कंटिन्यू करो ये मैंने पूछा है लोगों से एंड ऑब्वियसली वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऐसा आपको करने का है क्योंकि लोगों को अभी कंफ्यूजन ना हो लिखना है नहीं लिखना है किधर लिखो लिखुएंस्ट ऑफ यहाँ पे तो दस ही है तो दस ही भर के जाएंगे फिर वहाँ पे जाके करते बैठने हैं सब तो वैसा सीन नहीं करने का अपन को पेज पलटी करके पूरा भर के जाओ ओके okay, फिर उसके बाद यही आपका मेन पार्ट है वो वीजा वाला फिर दूसरे पेज पे आपको कैंडिडेट नेम लिखना है अपना कैंडिडेट रोल नंबर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट डेट प्लेस ठीक है ये सब लिखने का है या दैट्स इट देखो कितना सिंपल है है ना लेकिन कॉम्प्लिकेट मत करो खुद के दिमाग से ठीक है ये वीडियो दोबारा देख लो अगर नहीं समझा तो। बट प्लीज कोई गलती मत करना क्योंकि दे आर गोने चेक योर इमिग्रेशन स्टैम्प्स तो पहले दूसरे कॉलम में और तीसरा कॉलम में क्या क्या भरने का है वो तो क्लैरिफाई हो गया ना डन एंड डस्टेड कोई गलती मत करना क्योंकि ये देखो इंडिया है और इंडिया के डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम आपको पता है दे टेक डॉक्यूमेंट्स लाइक बाइबल तो इसके लिए बहुत अच्छे से लिखो सब फिल करो एंड मिलते फिर दिल्ली ओके बाय टेक केयर